आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स शोइंग द मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स इन फोर डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स तो हमें बताना है स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है कि कौन सी करेक्ट है H2 गैस इवॉल्व हो रही है टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में टेस्ट ट्यूब नंबर 2 will burst as a large amount of heat is evolved no reaction take place in test tube 3 in test tube four, yellowish green chlorine gases. is evolved theek hai to one by one dekhte hain first test tube mein dilute hcl hai kis mein? magnesium mein to aapko pata hai jab metal react karte hain hamare किसके साथ Acid के साथ तो वो हम क्या देते हैं Salt और release करते हैं H2 gas, hydrogen gas. गैस तो यहाँ पे मेटल एच के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जब हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एच सी एल के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है एम जी सी एल टू और एच टू गैस मेरी यहाँ पे क्या होती है इवॉल्व होती है ठीक है तो यहाँ पे एच टू इवॉल्व हो रही है तो एच टू गैस इज इवॉल्व तो ये स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप देख रहे हैं कि ड्रॉप वाइज ड्रॉप एड किया जा रहा है वाटर में तो क्या होता है जब हम वाटर में फ्यू ड्रॉप्स एसिड को ऐड करते हैं तो ये बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है इट प्रोड्यूस हीट, ज्यादा हीट या ज्यादा बर्स्ट होने की सिचुएशन कब होती है जब हमारे एसिड के अंदर हम वॉटर को ऐड करते हैं तो ये कंडीशन बहुत ही डिजास्ट्रस होती है बहुत ही विग्रस होती है बट

कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट एच के साथ तो ये फॉर्म करता है सीए सी एल टू सीओ टू गैस हमारी इवॉल्व होती है और यहाँ प्रेजेंट होता है वाटर ठीक है तो यहाँ पे हमारी तीनों चीजें फॉर्म होती है और यहाँ पे लिखा है कि देर इज नो रिएक्शन तो ये भी इनकरेक्ट हो गया टेस्ट नंबर फोर में डाइल्यूट एच की रिएक्शन किसमें की गई है कॉपर में तो आपको पता है कि जो हमारा कॉपर है वो हमारा रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ एच सी एल के साथ क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन हमारा क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में कहा प्रेजेंट होता है नीचे हाइड्रोजन के नीचे हमारा कॉपर प्रेजेंट रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा तो सी यू की हमारे एच सी एल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती ठीक है तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी तो करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वन तो अगर हम ऑप्शन में जाए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा पार्ट बी ओके थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर